तो जय हिंद दोस्तों, आज मैं बात करूँगा रेलवे ग्रुप डी के द्वारा एक ऑफिशियली नोटिफिकेशन आप यहाँ जारी किया गया। देख सकते हैं ध्यान से आप लोग, ये 11 अगस्त का नोटिस दिया गया यहाँ पर, जो कि फॉर्म रिजेक्शन क्यों किया गया था इस विषय पर बात करने वाला उठा, इसी विषय पर यहाँ पर अपना नोटिस जारी किया गया है। बहुत सारे कैंडिडेट का फोटो सिग्नेचर और दो दो बोर्ड में जो कैंडिडेट भर दिए थे एप्लीकेशन फॉर्म, ठीक है ना, मल्टीपल एप्लीकेशन फॉर्म जिन्होंने भरा था उनका फॉर्म क्यों रिजेक्ट किया गया, उन्हीं के विषय पर बात करने वाला ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपका जारी किया गया। ठीक है, तो यहाँ पर मैं बताना चाहता हूँ, जो भी नए व्यूअर सारे मेरे चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना ना भूले। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर ऐसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड के द्वारा आपका यहाँ पर जारी किया गया इंपॉर्टेंट नोटिस रिगार्डिंग रिजेक्शन ऑफ एप्लीकेशन। यहाँ पर साफ देख लीजिए, जो हेडिंग दे दिया गया है, ऑल दी कंप्लेंट्स रिवाइज रिगार्डिंग रिजेक्शन ऑफ एप्लीकेशन ऑन ग्राउंड ऑफ फोटोग्राफ सिग्नेचर एक्सेट्रा आर बीइंग एग्जामिनेड, द फाइनली आउटकम विल बी इंटरमिनेटेड टू ईच एंड एवरी कैंडिडेट इंडिविजुअली ट्रावर्ड SMS एंड ई मेल लेटेस्ट बाई 31/8/2019। तो यहाँ पर साफ साफ कहा गया है, जो कि जिनका फॉर्म एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्शन हुआ है, फोटो और सिग्नेचर में प्रॉब्लम हुआ है और मल्टीपल एप्लीकेशन जिन्होंने भरा था उनके लिए, जो कि दो बोर्ड में भरा था कह सकता हूँ, तो उनके लिए है फाइनली आउटकम्स एवरी स्टूडेंट इंडिविजुअली, यानी खुद से जो कि है आपका RRB जो कि है यहाँ पर देख लीजिए आपको लिखा हुआ है RRB रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड, जो कि खुद से SMS एंड ई मेल के माध्यम से उनको 31/8 तक प्रोवाइड करवा देगा कि आपका क्यों रिजेक्शन किया गया था एप्लीकेशन फॉर्म। ठीक है ना, बहुत सारे कैंडिडेट का क्यों रिजेक्शन किया गया था, तो बहुत सारे कैंडिडेट का कहना कि नहीं मेरा फोटो सही था, मेरा सिग्नेचर सही था, बहुत सारे कैंडिडेट ने ईमेल के माध्यम से भी रेलवे को ये नोटिस प्रोवाइड करवाया है कि नहीं सर मेरा एप्लीकेशन फॉर्म सही था, फोटो अच्छे तरीके से जो भी मांगा गया था बैकग्राउंड वो सब मैंने दिया था, प्रोवाइड करवाया था, कलर का भी मैंने ये सब किया था। ठीक है, तो बहुत सारे कारण हो सकते हैं, अब क्या कारण है वो तो आपको ऑफिशियली रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड ही बताएगा, RRB ही। तो इसी विषय पर और जैसे ही आपको देखिए यहाँ पर 31/8 तक आपको लास्ट मौका दिया गया, बहुत सारे कैंडिडेट लोगों ने ईमेल नहीं किया तो आप लोग ईमेल कर दे। ठीक है, अब ऑफिशियली साइट पे जाके आप लोग ईमेल आईडी ढूंढ सकते हैं, ईमेल आईडी वहाँ पर आप लोग कर सकते हैं अपना एप्लीकेशन नंबर डाल के। ठीक है, और यहाँ पर बताएं उनको बोर्ड को कि क्यों आपका रिएक्शन किया गया एप्लीकेशन फॉर्म, तो उस विषय पर वो आपको खुद से ईमेल करेंगे और SMS के माध्यम से जो आप लोगों ने फ़ोन नंबर दिया होगा उसके माध्यम से आपको प्रोवाइड करवाएंगे वो क्यों आपको रिजेक्ट किया गया था एप्लीकेशन फॉर्म। ठीक है, और इसका नोटिफिकेशन लिंक बहुत ही जल्द जारी किया जाएगा। यहाँ पर कहा जा रहा है देख लीजिए, दी ऑल कैंडिडेट आर राइट टू देयर शुड बी कीप व्यूइंग दी ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ RRB रेगुलरली। यहाँ पर बोला जा रहा है कि आप लोग अपडेट रहें क्योंकि बहुत जल्दी ही यहाँ पर मोडिफिकेशन लिंक एक्टिव कराया जाएगा 31/8 के बाद, यहाँ पर ध्यान से देख लीजिए आप लोग। ठीक है, और किन्हीं को कोई भी सवाल करें कमेंट्स करें, मैं कमेंट सेक्शन में आपको जवाब दे दूंगा फ्रेंड्स। बस ये अपडेट था और ज़्यादा कुछ अपडेट है नहीं, देख सकते हैं आप लोग ध्यान से। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। जय हिंद, जय भारत।